लखनऊ में आयोजित आम आदमी पार्टी की महारैली में अरविंद केजरीवाल ने यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस रैली में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि यूपी में सपा ने कब्रिस्तान, भाजपा ने शमशान बनवाया है, पर हम बच्चों के लिए स्कूल और सबके लिए अस्पताल बनवाएंगे। इस जनसभा में अरविंद केजरीवाल ने यूपी की जनता को मुफ्त बिजली और नौकरी देने के साथ ही तीर्थ यात्रा योजना के तहत धर्म स्थलों पर भेजने का ऐलान किया है। इसके अलावा 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने देने का भी वादा किया है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। दोस्तों, पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवाए, योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा और आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवाऊंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।